4 घंटे 4.5 घंटे लगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। खजुराहो पहुँचे हैं अराउंड 4:30, 4.5 घंटे लग गए और अच्छा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइक्स और बहुत पतली रोड, सिंगल रोड। सो दिस इज द फर्स्ट टेम्पल वी आर विजिटिंग। विष्णु का पांचवा अवतार ये है, बामन टेम्पल, विष्णु जी के पांचवे अवतार, और ये मेरा छठा अवतार, सातवा अवतार जो भी है। हाँ दिव्य, मेरे पास है टेम्पल, यहाँ से देखेंगे। हाँ जी मैम, आप इधर आ जाए। टेम्पल को बामन मंदिर कहते हैं, भगवान विष्णु का पांचवा अवतार। बामन मतलब ब्राह्मण, वामन मतलब बोला। भगवान विष्णु ने राजा बलि का मद और अपमान दूर किया। राजा बलि से 3 गज भूमि दान मांगा, पहले में उन्होंने पाताल, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पृथ्वी, तो पृथ्वी कम पड़ गई, इसलिए उन्होंने सर्प लात रखी। तो इस मंदिर के गर्भगृह में जो स्टैचू है वो बटु बामन के नाम से है। यानी मंदिर के गर्भगृह 4 भाग में होता है सर, मंदिर का आखिरी भाग। हाथी के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं अर्धमंडप, ये महामंडप जिस पर सिंह बैठा है, अंतराल जिसके अंदर मूर्ति होती गर्भगृह। आगे आ जाओ, सिंह का चेहरा देखा आपने, सिंह के चेहरे के जस्ट नीचे देखिए पहला ओम देखा, उसके आगे दूसरा ओम, उसके आगे तीसरा ओम। इसके बाद बालकनी वाला पार्ट देखिए आप, बालकनी में 2 पिलर है, जो बिल्डिंग में पिलर टच है ऐसा महसूस करेंगे आप जैसे मंदिर को उसने हाथ में उठा लिया हो। मेरी लाइट पहुँचेगी तो बताएंगे, ये जा रही साहब। इस फिगर को बोलते कीचक बल, इसको द्वापर युग में भीम ने मारा, द्रौपदी को हरण करना चाहते थे, 60,000 हाथी की इसमें ताकत थी, मंदिरों को इसने बॉल की तरफ उठा लिया था। इसके ऊपर देखिए आप एरावत, यहाँ पर मिलन, संभोग क्रिया, नरसे नारायण, काम की साधना, गौरीपुत्र गणेश, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम के बाद ही जीवन पे मोक्ष है, संभोग से समाधि की ओर। आ गया जाए, टेम्पल वामन टेम्पल। आपका क्या नाम था? रामाशंकर दीक्षित सर। फोटो ले, थोड़ा मेरी लाइट को देखना है कहाँ जा रही है। बिल्कुल देख रहे हैं। एक अप्सरा श्रृंगार पोट खोलते हुए, ये कान में श्रृंगार करते हुए, ये बॉल उछालते हुए, ये आँख मिचोली खेलते हुए, इनके बीच में एक काल्पनिक प्राणी आ रहा है जो पूरे खजुराहो के टेम्पल में किसी भी टेम्पल को देखेंगे XYZ। इसके चेहरे में कोई झांक रहा है, गौर से देखिए, पैर के नीचे इसको मारते हुए। इच्छा को ना तो आप मार सकते ना झांक सकते, ये इमेजिनेशन काल्पनिक प्राणी है। ठीक है। इसका चेहरा 3 प्रकार से चेंज है, फर्स्ट होगा पैरट की तरह, सेकंड होगा लॉयन की तरह, थर्ड होगा एलिफेंट की तरह। गले से नीचे बॉडी सारे टेम्पलों में हर एनिमल की एक जैसे होगी, केवल चेहरा चेंज है क्योंकि कल्पना है, इमेजिनेशन है। इसके बाद लॉर्ड विष्णु, दोनों प्रतिमा है, इसमें शंख है फिलावर और इसमें शंख। इस टेम्पल को वास्तु शास्त्र से भी जोड़ा है, जैसे ये प्लेटफॉर्म का आप कॉर्नर देख रहे हैं, पीछे देखे सर है कॉर्नर, ये देखिए मेरी लाइट जा रही है, 4 मूर्ति का सेट होता है। जिस टेम्पल पे भी आप देखेंगे ये 2 चेहरे अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो वास्तु कौन, अच्छा ये वसु है सर, पितामह भीष्म के सगे भाई, ये इंद्र है, इनका द्वार पूरब है, ये राजा अग्नि है, इनका द्वार दक्षिण। आप ऊपर देखिए एरोटिक मूर्ति काम शास्त्र, यहाँ पर सर देखिए बॉडी को शांत कर रही है सेल्फ, मन को शांत कर रही है श्रृंगार, ये अंगड़ाई ले रही है, ये चोटी को संभाल रही है। एक को हमारी भाषा में बोलते कीर्ति मुख, अच्छा लोग नीचे वाली मूर्ति गजलक्ष्मी है सर, जो दीपावली के दिन पूजा होती है। हाथ पर इनके हाथी बैठा है, इनके जस्ट ऊपर पार्वती है, अच्छा इनके ऊपर शिव बैठे हैं शंकर जी, और ऊपर वेलकम है सर, लेफ्ट राइट अप्सराएं, बीच में गेट बंद, उसमें राइट अप्सरा फिंगर से एक्स कर रही है अलोन, अच्छा उनके जस्ट ऊपर शिव पार्वती, और नीचे सिंबल है सर चंदेला डायनेस्टी, सिंह बैठा है। अच्छा मेरे को लगा उधर जा रहे हैं। ये देखिए पैर से काटा निकालना, इन अप्सराओं के लिए खजुराहो फेमस है सर, ये अंगड़ाई ले रही है, तो पैर से काटा निकाल रही है, और बगल में भी अंगड़ाइयां हैं। टूटी इधर, वो तो सर बहुत पहले टूटा हुआ है, इधर आ जाइए, यहाँ से दिखाऊं कुछ, यहाँ आइए सर, एक अप्सरा ये पैर से काटा निकालना, इसके जस्ट ऊपर देखिए बॉल उछाल के पूरा अंगड़ाई देखिए सर, इनका पूरा बदन मोड़ दिया है जी।
अब यहाँ से देखिए, फिगर वही है, केवल डायरेक्शन देखिए, यहाँ से इनका देखिए व्यू अंगड़ाई में, और चेहरा देखिए जो पैर से काटा निकालना है, कितना खूबसूरत व्यू है। इन्हीं में सर लेफ्ट राइट पे बोल रहा हूँ, इसके बाद विष्णु का इनकार्नेशन नेम द वारा है वाइल्ड बोर, और आ गया है। अब मेरी लाइट काम नहीं करेगी सर, कोई बात नहीं, काम ना करे समझ में आ रहा है, सर अभी करेगी। अच्छा, ये देखिए आपको मैं सुरमा लगाना, हाथ में सिंगार पोट है, पैर के नीचे सर्वेंट है, सर्वेंट हाथ की है, सिंगार पोट सिंगार के सिंगार सर्वेंट के हाथ में रख दो, ये बॉडी को शांत कर रही है, पीछे वस्त्र संभाल रही, इनके नीचे सर्वेंट है, ये बीच में सर वो व्याल आ गया काल्पनिक प्राणी, ये दासी है, ये अप्सरा है, इनके बदन पे धोती में वर्क देखिए आप, और इनकी साड़ी प्लेन देखिए सर सिंपल, ठीक है। इनके पैर पर सर एक बिच्छू बना है, गौर से देखिए। अच्छा, ऊपर वस्त्र को नेकेट करते हुए, जब लोग काम पर जाते हैं तो मनंदा होता है, जब तक काम से मुक्त ना हो, इनके अंदर काम आया, वस्त्र को नेकेट किया, लेकिन पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ, इसलिए इनका मन खुश नहीं है। अच्छा, उस समय इनके पैर पर बिच्छू आया पता नहीं चला, क्योंकि जितना बिच्छू के अंदर वैसे उसे तक बसेली वासना, इसलिए काम का प्रतीक टैटू बना है। ठीक, आगे ये देखिए सर, ये सिंगार पोट खोलते हुए, यहाँ पर अंगूर खिलाते हुए, आम खिलाते हुए, ये अंगड़ाई ले रही है, ये डांसिंग मुद्रा है, लेकिन ये चैन है, ये नियति है, वो यमराज है, ये नैरत्य कौन है सबसे खतरनाक, कौन बोलते हैं, ये जो कॉर्नर है ना सर प्लेटफॉर्म, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, यहाँ पर हमारा चेहरा भोजन का बोलते रहो दक्षिण ना हो, लेट के समय पैर हमारे दक्षिण हो, ओके, क्योंकि यम का द्वार दक्षिण है, तो ये नैरत्य बोलते हैं, यहाँ घर का मुख्य शयन कक्ष करे जी। इसके बाद ये शिव पार्वती का मैरिज विवाह है, इसके बाद देखिए सर यहाँ फीमेल का हस्त में तो फिंगर सेक्स, जो मेरी लाइट जा रही है, फिर भी अगर बॉडी पे शांत नहीं है तो स्तन पे, काम के बाद जब मन ठंडा होता है तमूरा बजा रही है साहब, इधर से आ जाएंगे, इसमें देखिए सर बैक और फ्रंट अंगड़ाई, इधर आ जाइए, इसमें बैक और फ्रंट दोनों अंगड़ाई दिख रही है, ये बालों में राउंडिंग चोटी संभालते हुए, ये आपका तीसरा पार्ट आ गया सर वायव, ठीक है, यहाँ घर में टॉयलेट हो। इसके बाद यहाँ देखिए पैरों में आलता लगाना, मेहंदी लिखना, मेहंदी को देखना, श्रृंगार पोट लिए, ये अंगड़ाई ले रही हूँ, हाई ग्रीव है, ये आंखों में सुरमा लगा रही मिरर से, ये बच्चे को दूध पिला रही माई खाप में फ्रूट, ये दर्पण सुंदरी है, इनके ऊपर फिर हस्त महत्व ने उंगली के साथ उठा भी टच किया वासना, ये सारे इसमें सर फिगर दिखाए गए जो फेमस फिगर है। ये किसने बनाई है सारी मूर्तियाँ? ये सर चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल एक मंदिर को चंदेल साल में जी 16,000 कलाकारों ने कंप्लीट किया। मतलब चंदेल राजा कब थे, कौन से छठवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, चलो ठीक है, 9वीं से 12वीं मंदिर बनाए गए, ठीक है, ये भगवान कुबेर के दर्शन है। अच्छा, वामन टेंपल के वामन पहुंचो फटाफट, मेरा छोटा सा बच्चा कैसे एंजॉय कर रहा है, क्या दिल करे, इसको बोलते हैं सर अर्धमंडल। अच्छा, इसको बोलते हैं महामंडल, हाँ, आगे वाली पार्टी को अंतराल, जहाँ भगवान की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, ये चार भाग होते हैं, जो सामने जा रहा वेदी में बैठ के हवन पूजा ध्यान, इससे धुआं निकलेगा, वहाँ से बात बाहर जाएगा। अच्छा, अगर हमें दर्शन करना है तो वहाँ से आएंगे, दर्शन करने आ रहा है पूजा करने वाले को डिस्टर्ब न करें, पूजा करते रहे हम दर्शन करके निकल जाए, ये सामग्री की जगह, ये जाल गवर्नमेंट ने लगाया जब ये चंदेल राजाओं के पास मंदिर थे, तब इन मंदिरों में खुला था दोनों तरफ, बालकनियों में राजा बैठते सामग्री रखते या पूजा हवन होते, कौन सी इस मंदिर में भगवान कहते हैं आप इस चीज से जब तृप्त हो जाए तब मेरे पास आए, क्योंकि ऊपर इसके ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ भैया आप कहाँ पर हो, अरे यार भैया खजुराहो लग रहा है फोन, किसको लगा रहे हो, कहाँ से फोन आ जाता,
ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी एंड सरस्वती, ये आपका ग्रस्त पाठ है सर। ठीक है, इस टेंपल के अंदर बामन टेंपल मूर्ति है, यहाँ पर आफ और आफ अपने बेबी के लिए नमन करोगे कि जो हमें दिया हमसे अच्छा लक्ष्य इनको मिले। ये यहाँ माँ और पिता बच्चों को लक्ष्य मंगाने आते, बच्चों को दान करते, बच्चों को प्रणाम करते, क्योंकि इस मंदिर में बच्चों के लिए अनमोल रूप में सरस्वती और से खजुराहो 11 किलोमीटर। अरे आओ, अभी तरीके से करते हैं। अरे एक बार मम्मी पापा के वामन टेंपल ना, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पहले भी बहुत ये है। सो वामन टेंपल देख के अब हम जा रहे हैं, कौन से टेंपल? अब आप दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन टेम्पल, उसका नाम क्या है? दूल्हा देव टेम्पल। एक बाजू का टेम्पल है, इसको जवारी टेम्पल बोलते हैं। जवारी टेम्पल, इसके अंदर मूर्ति छोटी है, फेस्ट नहीं है मूर्ति में। हाँ हाँ, दीवालों पर एरोटिक स्कल्पचर है। मंदिर पे इसके सीलिंग में नवाग्रह यंत्र है, वो क्या होता है? ऊपर 108 कलश है। अच्छा, मंदिर में दीवालों पर कला दिखाई गई है, दरवाजे पे तोरण है। इसके अंदर 1100 एक शिवलिंग है, 84 कला, इसमें एरोटिक मूर्ति काम शास्त्र है। सिचुएशन क्या है, यही है क्या? लगा दो यहाँ, लोग जो काम करते हैं उसमें बनता है। देव टेंपल वेस्टर्न ग्रुप ऑफ, ताकि हमारी वीडियो बनती रहे। इसमें एनिमल के ऊपर काम है, ये हाथी घोड़ों की सेना देखिए आप लोग, नीचे वाला फर्स्ट लाइन देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन जिनके पैर जमीन में टच नहीं है उनको बोलते यक्ष गंधर्व और विद्याधर, देवी देवताओं के डांसर हैं, आकाश मार्ग में उड़ते हुए। अच्छा, देखा आपने। इसके बाद पहले एनिमल के ऊपर देखिए बॉडी को टच करना, दूसरे एनिमल, मैम ये एनिमल देखा अंदर, इधर भी है। इसके जस्ट ऊपर देखिए फीमेल क्रिया पहचानना चाहती मेल मेरे लायक है या नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उस समय नपुंसकता भी थी और फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा मेल कम। अच्छा, इसके बाद आप इधर आ जाए, ये एरोटिक फिगर इसमें छिपे हैं सारे। इस एनिमल का चेहरा टूटा है ना, इसके जस्ट ऊपर देखिए मेल पीछे से कर रहे, फीमेल ओठों पे और उंगली पे योनि से काम दिखाया गया फिंगर से, देखा। इसके बाद थोड़ा सामने आए, ये नटराज का मूर्ति है, इसके बगल में एनिमल, उसके जस्ट ऊपर सन्यासी ओरल सेक्स की इच्छा करते हैं। अंदर एनिमल है गहराई। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, उसके ऊपर ठीक है ठीक है। इस एनिमल के फिर ऊपर देखिए सर, तो डॉगी स्टाइल 71 पोज सेक्स। अच्छा, उसके बगल में फीमेल वेट कर रही सेक्स के लिए, लेफ्ट साइड में सर। हाँ हाँ, देखा ना, ठीक है। उस समय क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा मेल कम। थोड़ा आगे आ जाएंगे, एक चीज दिखाऊं, अलोन पीपल मंदिर राउंड मारने में ये देखता है साहब, मेरा हाथ देख रहे हैं। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है आपके? सिर्फ भगवान दिखेंगे आपको, जो अलोन पीपल मंदिर घूमना चाहे तो केवल भगवान दिख जाते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो। लेकिन एक्सप्लेन करूंगा तो वहां निगाह आपकी पड़ेगी, ठीक है। इस एनिमल के ऊपर बौद्ध भिक्षु है। अच्छा, ये वैश्याए हैं, नगर वधु। अच्छा, इनको नगर के बाहर बसाते थे सर। अच्छा, अब हम ऐसे मुड़ जाते हैं तो इस एनिमल के जस्ट ऊपर देखते हैं, मेल बॉडी मसाज कर रहे, फीमेल मेल से दोनों का मिलन, काम सेक्स दिखाया गया। हाँ हाँ, प्लस फीमेल चेहरा देख रहे कितना सुंदर है। हाँ हाँ, नीचे उसके कलश पड़े पैरों के, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, फिर से एनिमल के ऊपर देखेंगे गोदी समोगासन, गोदी में लेके सेक्स। अगर हम ऐसे हो जाते थोड़ा सा ऐसे, तो इस एनिमल को देखते हैं फिर, तो उसके जस्ट ऊपर देखिए मेल फीमेल की योनि पे फिंगर से उत्तेजना कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल के पास 10 गुना काम ज्यादा है पुरुष से, संभालने के लिए बॉडी हीट कर रहे हैं सर। इसके ऊपर देखेंगे तो सन्यासी नायिका का मिलन, ये तड़क चालक सारे मंदिरों में लगाया गया। इधर आए,
इस एनिमल के ऊपर क्या है, फीमेल की नाभि के जस्ट नीचे देखिए योनि पार्ट ओपन दिखेगा। अब बौद्ध भिक्षु को दिखाते हैं, तो बौद्ध भिक्षु जो नफरत कर रहे थे, इधर आ जाइए, इस एनिमल के ऊपर वस्त्र को नेकेट करना है। अच्छा, जो नफरत कर रहे थे। हाँ। अब एक चीज फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इधर आए, इस मूर्ति से आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है, तो आप ये फिर देखिए पूरा राउंडिंग, पूरा एक जैसा भगवान दिख रहे कि नहीं सर? चाहे इधर भी देखें, मतलब इस मीनिंग से बनाया गया कि राउंडिंग माला घूमता ही रहे, उनको निगाह ना पड़े। ये सब अप्सराओं के फिगर है, एनिमल के ऊपर युगल है, ये क्रिया है सर एनिमल के ऊपर जो कि स्लीपिंग में दिखाया गया सेक्स। अच्छा, अपोजिट क्रिया है सर, फीमेल की जगह मेल और मेल की जगह फीमेल, उसके ऊपर फीमेल को मेल टच करते हुए। अगर ऐसे होते हैं हम थोड़ा सा फिर मुड़ते हैं, हमारे पास आ जाए, इस एनिमल के जस्ट ऊपर सर स्टैंडिंग सेक्स दिखाया गया 63, सिक्स आकार मेल और थ्री आकार फीमेल, वो हिंदी पोज। एक फिगर ऐसा है इस टेम्पल में जो खजुराहो में दूसरा फिगर ही नहीं है, मेरे पास आ जाए, इस एनिमल के जस्ट ऊपर देखिए। अगर स्लीपिंग ओरल सेक्स करेंगे तो पॉसिबल है 69, कोई सिक्स कोई नाइन। इस फिगर को बोलते हैं स्टैंडिंग ओरल जिमनास्टिंग, ये जिमनास्टिक फिगर है सर, ये नारी का श्रृंगार है सर, मुकुट बिंदी कुंडल कमरबंद पूरे बदन पे ज्वेलरी है। यहाँ देखेंगे इस एनिमल के जस्ट ऊपर, अरु कहाँ आगे बदल गए, अरु इधर गए, इस एनिमल के जस्ट ऊपर देखें लव स्टोरी, हाथों में लव लेटर है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, एनिमल के ऊपर एक काला फिगर, फीमेल की जो नाभि है कमर देखिए उसमें हाथ में फूल है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो आनी एनिमल है उसके ऊपर देखेंगे तो सन्यासी बॉडी मसाज कर रहे हैं वो ऊपर। जी जी जी, ये माँ काली, सन्यासी आप जो दाढ़ी वाले को कह रहे हो, देखो ना सर। हाँ ठीक है, ये माँ काली चामुंडा, इनके ऊपर भैरव, पैर के नीचे उनके डॉग है, उनके ऊपर इंद्र, पैर के नीचे एलिफेंट एरावत है, ऊपर शिव पार्वती। ये हाथी घोड़ों की सेना दिखाई गई, युद्ध वाला पार्ट, कैसे युद्ध करते थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलना है, ये भगवान कुबेर हर टेंपल पे मिलेंगे क्योंकि वास्तु कोण पे है। अंदर। अच्छा। ये पहले एनिमल के ऊपर नायिका सन्यासी का मिलन, दूसरे एनिमल के ऊपर एक हाथ से अस्ताने का से घंघरा ओपन करते हुए, सेकंड एनिमल के, उसके बाद जो थर्ड एनिमल है उसके जस्ट ऊपर देखें सेक्स दिखाया गया, उसके बगल में नाग कन्याएं हाथ जोड़ रही, दो प्रेमी का मिलन डिस्टर्ब कर सबसे बड़ा पाप क्योंकि काम के बाद ही मोक्ष है, संभव की समाधि की ओर। ये दूल्हा दुल्हन की डोली सर, शिव पार्वती का विवाह हुआ ना तो कंधों पर लेके जा रहे हैं डोली को। अब इसके अंदर एक शिवलिंग है, इतिहास ये कहता है कि जिसने भी दर्शन किया काल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि सहस्त्र शिवलिंग है इसमें, 1101 शिवलिंग के दर्शन। क्या ड्रोन से फोटो ले सकते हैं क्या यहाँ पे, अलाउड है? सॉरी, इसमें सिस्टम है क्या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, आ जाइए सर। हाँ, ये भी ड्रोन के साथ उड़ जाता है, करना चाहिए तो। लाइट क्यों नहीं अंदर? इस टेंपल का नाम अंदर इतिहास में है, शादी के पहले दूल्हा नमन करने आते फिर जोड़े के साथ दर्शन है इसमें। अच्छा, 1101 शिवलिंग। अरु कहाँ है भाई साहब, थोड़ा लाइट की कृपा करेंगे? ये अरु कहाँ है? अरे बाहर भगवान लगा, अरे वो शिव पार्वती विवाह में दोनों तरफ ये डांसिंग गणेशा, ये दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश, बृहस्पति भगवान से लेके राहु और केतु, ये नवाग्रह के दर्शन। ये ताला खुलता साल में कम समय, महाशिवरात्रि अमावस्या, ये मैम इनका हाथ टच करके छोड़ना, ये जोड़े का महत्व है। हरे हे ओम त्र्यंबकम जामाय सुवर्णम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदनात्मृत्यो मोक्षे यमामृतात्, हरे हे ओम जुम्सा स्वाहा सर्वदाय मुक्तेषु विप्ताय नमः। ये मंदिर में जो शिवलिंग है मैम, इस शिवलिंग में 11 राउंड है, एक राउंड में छोटे छोटे 100 शिवलिंग है, 11 में 1100, 1101 शिवलिंग है ये। एक देख के अब दुल्हा देव टेंपल को देख लेंगे, तो सब मनदर टेंपल अबाउट टू हैव सनसेट। कैसे खुलेगा? खुले कैसे? फिनिश तो हो गया है लेकिन अपने लिए अपन सब। ये है चतुर्भुज टेंपल। जी बहुत बढ़िया। इस टेंपल का विशेषता ये है, 13.5 फीट में वन पीस स्टेचू है मंदिर के अंदर। अच्छा। शाम के वक्त सूर्य भगवान इसमें नमन करते,
अच्छा, क्योंकि सारे मंदिरों के द्वार पूरब है। इस मंदिर का द्वार पश्चिम है, एक ही मंदिर है खजुराहो में जिसका पश्चिम द्वार है। अच्छा, ओरिजिनल टाइम निकलता हुआ सन नमन करेंगे, डूबता हुआ सन उसमें नमन करेंगे। अच्छा, इस पे तो टॉर्च लगाना पड़ेगी तभी दिखेगा मेरे। इसमें तो बाबू थोड़ा सा आएंगे, एक बार हाथ में चलाओ। अरु आप याद कर, ये आपका प्रेम का भेंट है। हाँ। बेटा तुम पीछे आओ थोड़ा, बताऊं मैं अभी। यहाँ तो आपने कुछ बोला ही मंत्र, इसलिए इस मैं बोलूंगा। ये आपका, ये चंदेला डायनेस्टी मोनो सिंबल है। अच्छा, ये आपका दोनों जगह गंगा जी का दर्शन है। दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश नवाग्रह के दर्शन। ओके, कीचक के ऊपर माता सरस्वती विराजमान है। सामने माता लक्ष्मी विराजमान है। बेटा थोड़ा अंदर जाना। नीचे से ऊपर तक वन पीस मूर्ति है। अच्छा, अब बताइए मुझे किसकी मूर्ति है ये? तो नारायण मैम किसकी है? मैं बोलूं? शंकर जी का चेहरा है, विष्णु की बॉडी है, कृष्ण के पैर है। कदम के नीचे भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे। इस पैर में पायल, उस पैर में कड़ा, तलवे पदम का चिन्ह। अच्छा, पैर के बगल में जामवती, बगल में राधा। अच्छा, शंख चक्र गदा पदम चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं, विष्णु की बॉडी। भगवान शंकर का फेस, बड़ी बड़ी जटाएं, जटाओं में त्रिशूल, जटाओं से गंगा बह रही, सिर की लेफ्ट राइट पर देख सकते हो। हाजी, शंकर जी का चेहरा है, विष्णु की बॉडी है, कृष्ण के पैर। आपके जीवन में अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति क्रोध ना हो आपके दोनों के बीच में, प्रेम कभी घटे नहीं। आप नमन करोगे भगवान से कि हमारा जीवन सुख समृद्ध में व्यतीत हो। प्रणाम करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भवम भवानी सहितम नमामि, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधा रानी सरकार की। आपके जुड़े के प्रेम के लिए नमन करें और दोनों लोग शपथ लें हम अति क्रोध नहीं करेंगे, जीवन हमारा प्रेम से भरपूर हो। श्री राधे राधे। इसके बाद आपको बाहर आ जाइए। आज खाते को पारी तो करना, पापा को पारी लगी। ओरे सॉरी, लग गई। ओरे मेरे पीछे जो लगी। पापा डालो के हां, चारों तरफ चक्कर काटेंगे ना, हम देखेंगे इस पे क्या क्या है। ये गंदे हो रखे हैं। अंकल को ना बहुत नॉलेज है। आ गई मालिक, बस आ गई, श्रीराम में लगा दे। इधर देखो पापा, आओ लड़का बैठ जाओ। बैठ जाओ, देखो जा जगह। बैठ जाओ बेटा, पर मम्मा पापा के साथ साथ रहोगे। अच्छा 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 अच्छा, आप कहाँ थे श्री कृष्ण की तरह है, बड़ा वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम है, कुछ अलग है। सबसे ऊपर माँ लक्ष्मी के दर्शन है। हाँ। नीचे राजा रानी बोटिंग कर रहे हैं, नौका विहार, एक खाली स्थान के जस्ट ऊपर। अच्छा, हाँ। वो नाचने गाने वाले मैं आपको बता चुका हूँ। हवा में जो है, हाँ, ये बीच में काल्पनिक प्राणी भी देखा आपने। हाँ। ये वसु भी देखे हैं, जो काल्पनिक प्राणी सारे ज्यादातर एक जैसे शक्ल के, थोड़ा थोड़ा चेंज है। नारायण नेवला है क्योंकि वास्तु कौन है बेटा, उधर बैठो नहीं पत्थरों में, अभी शाम के टाइम नहीं बैठते। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है, भगवान शिव की बहुत अच्छी मूर्ति है सर। शंकर जी का पद्मासन रूप बहुत सुंदर है। एक अलग है मैम, जमीन में अर्थिंग है बिजली को रोकने के लिए। एक मूर्ति सर ये हटके है, शंकर पार्वती की बॉडी में, आदि में शिव, आदि पार्वती, अर्ध नारेश्वर, बाकी सब कलाएं लगभग पैटर्न मिलता है। पापा मैं यहाँ पे बैठ गया, मुझे क्या के पीना। कितने प्यारे लग रहे हो आप यहाँ पे। वीडियो बनाओगे? बना ली पापा ने आपकी वीडियो। एक और जगह जा बना लो। पापा लव्स यू बेटा बहुत ज्यादा, इसलिए पापा आपके। ये मेरा अरु है, पापा का अरु, पापा के पांच है। चलो वीडियो बनाए बज रहा हूँ शहर में।